पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन महानगर में कुछ हिस्सों में आफत की बारिश बन गई। मूसलाधार बारिश से असुरन रोड पर स्थित राप्ती कॉम्प्लेक्स में बारिश से पानी भर गया। राप्ती कॉम्प्लेक्स की ओर से लगाए गए पंपिंग सेट ने भी पानी नहीं निकाल पाया, जबकि नगर निगम द्वारा लगाया गया पंपिंग सेट तकनीकी वजह से नहीं चल सका, जिससे पानी लगातार बढ़ता गया और कॉम्प्लेक्स के दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जिसके संबंध में राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में बारिश का पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाया गया है, लेकिन अत्यधिक बारिश होने से वो काम नहीं आया। इस दौरान नगर निगम द्वारा लगाया गया पंपिंग सेट खराबी के कारण नहीं चल सका। नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को फोन लगाते रहे हैं, लेकिन फोन ही नहीं उठा। दुकानदारों ने इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि नुकसान होने के घंटों बाद नगर निगम द्वारा लगाया गया पंपिंग सेट चालू हुआ, जबकि मौसम विभाग ने सोमवार को भी भारी बारिश होने की संभावना बताई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकानदार मणिनाथ गुप्ता और राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव ने कहा, मणिनाथ गुप्ता महानगर अध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल स्थानीय व्यापारी। आज किस तरह की समस्या है? समस्या ये है कि राप्ती कॉम्प्लेक्स में जो है कई सालों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, जो है यहाँ के व्यापारी हैं, और ये जो आज की समस्या है ये विगत कई सालों से ये समस्याएं चल रही हैं। अभी ये 2018-19 में भी एक मरतबे इस समय इसी तरीके से जल जमाव हुआ था। जो है उस समय तत्कालीन हमने जिलाधिकारी महोदय और नगर निगम के मेयर साहब और नगर निगम के उस समय जो भी अधिकारी थे सभी लोगों को संज्ञान में हमने इस विषय पे गंभीरता के साथ चर्चा किया था। चूँकि मैं मणिनाथ गुप्ता महानगर अध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल प्रशासन की तरफ से मैं जो है व्यापार बंधु कमेटी में भी नॉमिनेट किया गया हूँ। व्यापार बंधु की कमेटी में माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग होता है, उसमें भी 2018-19 में इस विषय पर गंभीरता के साथ इस विषय को मैंने रखा था और तत्कालीन नगर निगम प्रशासन ने इसका अस्थाई तौर पे समाधान करने की बात कही थी, लेकिन नगर निगम इस यहाँ की समस्या को लेकर बहुत गंभीर नहीं है, जो बहुत ही काफ़ी शोचनीय विषय है। आज नगर निगम की लापरवाही के वजह से अभी पिछले 14 तारीख को भी बारिश हुआ था और उस समय भी यहाँ के व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हुआ था। जो है चूँकि यहाँ के कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बारिश का पानी है उसको निकालने की व्यवस्था यहाँ की मेंटेनेंस कमेटी द्वारा किया जाता है, यहाँ के व्यापार मंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन नगर निगम के जगह जगह नाले टूटे हुए हैं और उन नालों के टूटने के वजह से जो है सड़कों का पानी जो है पूरी तरीके से नगर निगम के नाले का पानी जो है पूरी तरीके से वो परिसर के अंदर चला जा रहा है, जिसका खामियाजा स्थानीय व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। इस विषय में हम लोग मेयर नगर निगम के अधिकारियों से नगर आयुक्त से जो है हम लोगों ने समय समय पे इसकी चर्चा किया। जो है अभी 14 तारीख को जब बारिश का पानी जब परिसर के अंदर घुसा था उस समय उन्होंने
मुख्य नियंता सुरेश चंद जी आए हुए थे और भी तमाम अधिकारी आए थे स्थानीय जो है, उन्होंने कहा था कि अब ऐसी व्यवस्था कर जाएगी पानी न घुसे, लेकिन उसके नगर निगम के लापरवाही के कारण फिर आज पुनः पानी घुसा जो है। हाँ, उस दौरान प्रयास करने पे एक पंपिंग सेट लगा था और पंपिंग सेट हम लोगों का भी है, लेकिन आज अभी तक नगर निगम का पंपिंग सेट अभी तक चालू नहीं हो पाया जो है, उसमें तकनीकी समस्या होने के कारण, तकनीकी उसमें कमियां होने के कारण अभी नगर निगम का पंपिंग सेट नहीं चल, मतलब लगभग लगभग बेसमेंट में लगभग 200 दुकानों के करीब हैं, 200 दुकानों के करीब में कुछ दुकानें, लगभग सारी दुकानों में पानी घुसा है। और अभी तो कुछ स्थानीय जो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो तो आ गए हैं अपनी दुकानों को खोल करके चेक करें तो काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी बहुत से लोग, बहुत से दुकानदार आ नहीं पाए हैं, उनकी दुकान खुलने के बाद ही अनुमानतः एक्यूरेट जो है नुकसान की बात हो सकती है जो है, कि तभी बताया जा सकता है। हाँ, राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापार मंडल की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, विनोद प्रताप। ये हर साल राप्ती कॉम्प्लेक्स में जो है ये दिक्कत आती है, बाहर का पानी जो पिपराइज रोड से और जो मेडिकल रोड से, जो नगर निगम की जिम्मेदारी है, नाला साफ नहीं करते हैं ये लोग और नाले की मरम्मत नहीं कराते हैं। इसके पहले भी जेई साहब को बुलाया गया था और नगर आयुक्त भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि नाले की सफाई पूरी होगी, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। और इनको दिखाया गया था, इनको वीडियो भेजा गया था नगर आयुक्त को हमारे अध्यक्ष द्वारा उनके मोबाइल पर, कि जो है देखिए इस तरह से पानी अंदर आ रहा है और सारा पानी जो है नगर निगम का पानी जो है जो पिपराइज रोड से आता है वो आता है इसमें। आज भी जो है सुबह 9 बजे जो आपके मुख्य अभियंता हैं उनसे बताया गया कि पंप नहीं चल रहा है, इसकी व्यवस्था करिए, लेकिन कोई ऑपरेटर अभी तक नहीं आया, अभी भी पंप नहीं स्टार्ट है और पानी पूरा भरा हुआ है और कई लाख रुपए का व्यापारियों को नुकसान हुआ है। और ये हर साल होता है और हर बार इनके नगर निगम के अधिकारियों को हम लोग इसका ज्ञापन देते हैं और बात करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी तरफ से समाधान नहीं निकलता, मरम्मत अभी तक नहीं हुआ। जेई आए थे, जेई को दिखाया गया था, जेई सब मौके पर आए थे, नगर आयुक्त भी आए थे यहाँ पर और नगर आयुक्त ने कहा था कि जो है सारी नालियाँ साफ होंगी, लेकिन कोई सफाई नहीं हुई, इस बार भी पानी भर गया, एक एक फीट दुकान के अंदर पानी लगा हुआ है। अंदाजा जो है दुकान खुलने के बाद पता चलेगा कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ है।